हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आरजे जी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जी रीट लेवल वन है कौन सा, रीट लेवल वन में जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा फेर बदल हुआ दोस्तों, रीट लेवल वन उसके बारे में जानेंगे कि क्या लेवल वन में जो कि क्या इसमें चेंज हुआ, क्या फेर बदल हुआ, क्या सभी के परिणाम रिवाइज किए जाएंगे, क्या दोबारा सभी का स्कोर कार्ड आएगा, ये सब इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसमें देखेंगे कि जो कि आज जो कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जो सामान्य एवं विशेष लेवल प्रथम जो कक्षा एक से लेकर पाँच तक इसमें भर्ती में संशोधन किया गया, क्या कहे कि ये संशोधित परिणाम है, कौन सा परिणाम दोस्तों, संशोधित परिणाम जो कि 14 जून 2023 को जारी किया गया था दोस्तों, क्या इसमें संशोधन किया गया, क्या परिणाम इसके अंदर क्या सिस्टम है, तो ये देखेंगे। तो दोस्तों जो बोर्ड द्वारा 26 मई 2023 को जो कि जारी किया गया था, परिणाम जारी किया गया 26 मई को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक में सामान्य और विशेष शिक्षा में, इसमें देखेंगे कि दोस्तों जो कि इसमें तकनीकी त्रुटि होने के कारण क्या होने के जो परिणाम था, तकनीकी त्रुटि होने के कारण इस परिणाम में आंशिक संशोधन कर संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर किया जा रहा है दोस्तों। इसमें क्या संशोधन किया गया ये देखेंगे, आइए हम देखते हैं ये कि जो कि क्या सिस्टम क्या है। तो दोस्तों जो कि दिनांक 26 मई 2023 को जारी किया गया था, इसमें परिणाम में जो पेपर सेट, अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, यह जो पेपर सेट में जो प्लस वाले, कई लोग कह रहे हैं कि जो कि क्या सभी के स्कोर कार्ड द्वारा जारी होंगे, क्या कभी सभी जो कि सभी के क्वेश्चनों के अंदर इंटरफेयर होगा, इंटरचेंज होगा, क्या सभी क्वेश्चन चेंज होंगे, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिनके भी प्लस सीरीज है, कौन सी सीरीज जो कि आते हैं नीचे आते हैं जिसमें प्लस जिसमें सीरीज दी जाती है पेपर के फर्स्ट में, उसमें अगर किसी के प्लस सीरीज है ये सिर्फ उनके लिए, किसके लिए, सिर्फ प्लस सीरीज के लिए, वरना जिनके प्लस सीरीज नहीं है उनके कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहले वाला कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा, लेकिन जिनके प्लस सीरीज है उनके क्या संशोधन हुआ दोस्तों देखिए। इसमें मूल्यांकन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण प्रश्न संख्या 102 का जो कि मूल्यांकन दो बार कर दिया गया, क्या कि 102 जो कि इसमें 102 क्वेश्चन था, कौन सा प्रश्न संख्या 102 जिनके प्लस सीरीज है, कौन सी सीरीज है, प्लस सीरीज में 100 जिनके 102 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उनमें दो बार उनका संशोधन कर दो बार इसका मूल्यांकन कर दिया गया, अर्थात के जो नंबर थे दो बार जोड़ दिए गए, जैसे कि किसी के मतलब बन रहे थे 200 नंबर तो जिसमें दो बार जोड़ दिए गए, किसके कारण 202 नंबर हो गए। तो दोस्तों उसी हिसाब से जो कि जिनके जो कि दो बार जोड़ दिया गया उनको वापस एक बार कमी किया गया। तो दोस्तों किन लोगों को इससे फायदा होगा, किन लोगों को परिणाम होगा, ये आगे बात करेंगे। और दोस्तों इसमें हुआ चेंज हुआ और दूसरे क्वेश्चन में दो बार हो गया तथा प्रश्न संख्या जो कि 120 था, जो कि प्लस सीरीज, कौन सा प्लस सीरीज, प्लस सीरीज के अंदर 120 प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 120 का मूल्यांकन होने से रह गया, अर्थात इसका मूल्यांकन नहीं हो पाया, इसका दोबारा मूल्यांकन हो, अर्थात जिनके इनके नंबर नहीं जुड़े थे उनके जिनके ये प्रश्न सही था और इसका मूल्यांकन नहीं हुआ उनके दोस्तों नंबर बढ़ाए जाएंगे, क्या उनके नंबर बढ़ेंगे, उनके नंबर बढ़ेंगे दोस्तों। इसमें त्रुटि कारण इसमें आंशिक 120 का मूल्यांकन होने से रह गया, वर्तमान में त्रुटि को ठीक किया जाकर परीक्षा परिणाम में आंशिक संशोधन किया गया दोस्तों। इसमें क्या आंशिक संशोधन किया जा चुका, जिनके 120 नंबर क्वेश्चन में इसमें सही था दोस्तों उसके तो क्या गया मतलब दो नंबर बढ़ गए, उसके जिनके सही था उनके दो नंबर बढ़ गए और जिनके ये गलत था उनके -66 हो गए, उनके 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई दोस्तों। और जो कि जो 102 क्वेश्चन था इनके जो कि मतलब जिनके दो बार ये क्वेश्चन सही था उनके दो बार इसमें हो गया तो वो एक इसमें कमी हो गई, और जिनके ये गलत था वो दोस्तों क्या हो गया उसके जिसके ये गलत था उसके फायदा हो गया दोस्तों। तो अब इसमें देखेंगे आगे जो कि संशोधन था उसमें देखेंगे, पूर्व में जो सूचीबद्ध इसमें किंतु वर्तमान सूची, ये दोस्तों जो कि पहले तो क्या गया सूचीबद्ध किंतु वर्तमान सूची बाहर जो अभ्यर्थी थे बाहर कर दिया गया था इनको, ये देखेंगे दोस्तों जो कि ये पूर्व में जो कि वर्तमान सूची से बाहर अभ्यर्थियों के पूर्व में जिनका आ गया था नंबर और उनको जो कि कमी के कारण जिनके रोल नंबर जिसमें अंकों की कमी हुई उनको बाहर किया गया, ये जो कि बाहर जो किए गए अभ्यर्थी उनके रोल नंबर है ये जिनके बाहर कर दिए गए, जो कि ये नॉन टीएसपी के इसमें इन जो कि रोल नंबर ही जिनके बाहर हो गए, थोड़ा सा अफसोस है कि जो उनके थोड़ा सा बाहर हो गए। और तो देखिए आप देख सकते हैं, और ये टीएसपी के अंदर किसमें टीएसपी के अंदर इसमें टीएसपी के अंदर इतने अभ्यर्थियों को जो कि ये टीएसपी के अंदर ये इतने ये जो रोल नंबर बाहर जो किए गए ये विशेष शिक्षा में। और दोस्तों आगे देखिए कि जो संशोधित परिणाम के पश्चात जो सूची के अंदर संशोधित परिणाम के पश्चात जो सूची में शामिल हुए जो नए अभ्यर्थी थे इनको नए अभ्यर्थी जिनके रोल नंबर थे उनको वापस शामिल किया गया, गैर अनुसूचित क्षेत्र जो कि इसमें नॉन टीएसपी के
तो ये दोस्तों ये वापस इसमें शामिल हुए, ये जो अभ्यर्थी थे इनको इसमें शामिल किया गया। और ये किसमें, अनुसूचित क्षेत्र में, कौन से अनुसूचित क्षेत्र में थे ये, नॉन टीएसपी, किसमें, नॉन टीएसपी के अंदर ये हो जाएंगे, ये टीएसपी के अंदर, ये नॉन टीएसपी के अंदर दोस्तों ये रोल नंबर थे उपरोक्त। अब देखिए आगे लास्ट में देखिए, बहुत ध्यान देने योग्य, उपरोक्त आंशिक संशोधन के अलावा 26 मई 2023 को जारी परीक्षा परिणाम तथा कट ऑफ मार्क्स में किसी भी प्रकार संशोधन नहीं किया गया, अर्थात जो कि परिणाम था उसमें जो कि अन्य था उसमें इन जो कि जो प्लस श्रेणी के अलावा जो प्लस सीरीज थी उनके अलावा किसी भी परिणाम में किसी प्रकार का कोई इसमें चेंजेज नहीं हुआ, और कट ऑफ मार्क्स भी किसी प्रकार कोई भी कट ऑफ मार्क्स में चेंज होगा स्कोर कार्ड दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों जिनके प्लस था, जिनके प्लस सीरीज था उनके ही सिर्फ चेंज हुआ, उनके चेंज नहीं हुआ। तो और इसके अलावा नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की अगर कोई दिक्कत है आपको तो बोर्ड की जो वेबसाइट है इस पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या सिस्टम रहा था। तो दोस्तों और इसमें जो कि अगर आपके क्वेश्चन नंबर बढ़ गया तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दो गुना की लिस्ट में आ गए, और आपके अगर क्वेश्चन कम हुआ है तो ये बहुत दुखी का दुख की घड़ी है। तो दोस्तों बहुत दुख की बात है कि आपका जो कि आप बाहर हो गए, और खुशी की बात यह है कि जो कि जिनके नंबर कम थे वो जिनके अंदर आ गए, क्या कि जिनको अंदर आ गए दो पल की खुशी मिल जाएगी दोस्तों, क्या दो पल की खुशी मिल जाएगी अंदर आने से, क्योंकि फाइनल जो खैर दो नंबर से फाइनल सिलेक्शन तो होना नहीं है, लेकिन इसमें उनको फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि उनको चलो दो गुना के अंदर तो सिलेक्शन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों पिछले पहले वालों को भी सिलेक्शन हो गया, इसमें भी सिलेक्शन हो गया, तो अच्छी बात है दोस्तों। तो जिनके खेल संशोधन रहा ये इसमें बोर्ड को, इसमें बोर्ड द्वारा तकनीकी जो समस्या हुई थी उसका समाधान कर लिया गया दोस्तों। और तो जो कि नए बंदे थे, जो कि नए बंदे आए थे उनको जो कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, जो कि जो नए बंदे थे वो इसी दो गुना की लिस्ट में पास हुए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्या चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।